नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स के टॉप चार ऑर्डर बैट्समैन को लेकर के, जो कि पंजाब किंग्स के परफॉर्म करेंगे और प्लेइंग 11 में हमें जो है लगभग हर मैच में परफॉर्मेंस करते हुए और खेलते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों कौन कौन से हैं ये खिलाड़ी हम बात करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। अधिकतर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पंजाब किंग्स के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में कि क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। तो अगर बात करें आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद पंजाब किंग्स ने 25 लड़कों जो स्क्वाड है वो पूरा इकट्ठा कर लिया है। और ऐसे में दोस्तों अगर बात करें जो पंजाब किंग्स के सारे फैंस हैं और अगर बात करें अदर फ्रेंचाइजी भी ये आँख लगा रही हैं, और जो क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट है ये भी बताया जा रहे हैं भाई कि जो पंजाब किंग्स की टीम है वो इस सीज़न काफ़ी मजबूत और अच्छी धाकड़ और स्टेबल नज़र आ रही है। अगर दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स की, जो सबसे बड़ी कमजोरी रही थी अब तक वो रही थी उनकी गेंदबाजी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें रबाड़ा के आने के बाद जो गेंदबाजी में धार है वो कुछ हद तक पंजाब किंग्स की एकदम मजबूत हुई है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो पंजाब ने अच्छे खासे ऑलराउंडर्स टीम में भरे हुए हैं। और अगर देखें हम दोस्तों तो सबसे महंगे खिलाड़ी हुए पंजाब किंग्स के जो साबित हुए लियम लिविंगस्टन, जिन्होंने इसको पंजाब किंग्स ने खरीदा था 11.5 करोड़ की बड़ी राशि में। अब दोस्तों लियम लिविंगस्टन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें जो चार खिलाड़ी हैं और अगर जो दोस्तों बात करें जो पांच खिलाड़ी पंजाब किंग्स की तरफ से प्लेइंग 11 में हमें हर मैच खेलते हुए दिखाई देंगे वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें पहले दो नंबर पे तो आएंगे जॉनी बेस्टो और शिखर धवन, ये दोनों पंजाब किंग्स के लिए ओपन करते हुए नज़र आएंगे हर मैच में। अगर बात करें पंजाब किंग्स की तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के लिए पंजाब किंग्स ने लिया है जॉनी बेस्टो को। अगर बात करें शिखर धवन की तो शिखर धवन पंजाब किंग्स के लिए बने थे पहले बाइंग प्लेयर। और अगर बात करें मेगा ऑक्शन 2022 की तो शिखर धवन ऐसे पहले प्लेयर बने थे जिनको खरीदा गया। तो पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को अपने नाम किया है। अब ऐसे में शिखर धवन और जॉनी बेस्टो की जो जोड़ी है वो पंजाब किंग्स के लिए शुरुआती के 6 ओवर्स में अच्छा खासा फ़ायदा उठा करके दे सकती है। और दोस्तों अगर बात करें जॉनी बेस्टो की तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आईपीएल खेल चुके हैं हैदराबाद की टीम की तरफ से। इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आया है और हमने देखा है कि किस तरीके से वार्नर के साथ मिल करके बल्लेबाजी करते हैं। और अगर दोस्तों जॉनी बेस्टो 6 ओवर तक टिक गए तो ये एक मैच विनर भी साबित हो सकते हैं और मैच को अकेले अपने दम पे पूरी तरीके से जिता सकते हैं। सबका क्या कहना है पहले दो ऑप्शन के बारे में, यानी कि शिखर धवन और जॉनी बेस्टो के बारे में, क्या इन्हें ओपन करना चाहिए या नहीं, या आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो 3 नंबर पे मयंक अग्रवाल को जो है बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाना चाहिए। मयंक अग्रवाल अगर 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं तो वो उनके लिए एक अच्छा और आइडियल पोजीशन हो सकता है। अगर बात करें मयंक अग्रवाल की तो अब तक उन्होंने केएल राहुल के साथ ओपनिंग की थी और दोस्तों अगर बात करें तो मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पंजाब किंग्स के टीम के लिए। अब लेकिन अगर मयंक अग्रवाल 3 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो अगर बात करें तो ओपनिंग की ही पोजीशन मानी जाती है। और 3 नंबर पे अगर आपके पास भारतीय बल्लेबाज हो और वो ऐसा बल्लेबाज जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो तो गेम को पूरे अच्छे तरीके से चला सकता है। आपका क्या कहना मयंक अग्रवाल के पोजीशन के बारे में, क्या उन्हें 3 नंबर पे आना चाहिए या फिर उन्हें 4 नंबर पे शिफ्ट कर देना चाहिए, ये आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर बात करें तो 4 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाना चाहिए। लियम लिविंगस्टन काफ़ी अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर हैं और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल टी20 मैचेस इन्होंने खेले हैं और इनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर लियम लिविंगस्टन को पंजाब किंग्स की टीम 4 नंबर पे खिलाती है तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें 5 नंबर पे तो शाहरुख खान, जिन्होंने पंजाब किंग्स की टीम में वापसी की है, 9 करोड़ में पंजाब किंग्स की टीम ने इन्हें खरीदा है, तो कहीं ना कहीं इनमें जो आत्मविश्वास है वो भी अच्छा खासा भरा रहेगा। तो 5 नंबर पे शाहरुख खान जो है एक फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसा इंडियन बल्लेबाज हो जो कि फिनिश करना गेम को अच्छी तरीके से जानता हो तो आपको उस बल्लेबाज को उसी पोजीशन में रखना चाहिए। तो पंजाब किंग्स के लिए दोस्तों शाहरुख खान का पोजीशन नंबर 5 क्या सही है या नहीं, आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर बात करें शाहरुख खान की जो भूमिका है वो इस सीजन बदलने वाली है, क्योंकि अगर दोस्तों हम देखें तो ऑक्शन के बाद ही अनिल कुंबले ने शाहरुख खान को लिखते हुए कहा कि बी रेडी
टू फ्री योर आर्म्स, यानी कि आप गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। शाहरुख खान ने भी इसका अच्छा खासा मीनिंग निकाला और उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से रेडी हूं और इस सीजन मुझे गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो शाहरुख खान का इस समय दोस्तों हमें दोनों रोल देखने को मिलेगा इस आईपीएल के सीजन में। तो आपका क्या कहना है शाहरुख खान के बारे में, उनके इस रोल के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपको ये टॉप 4-5 पोजीशन कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।